हरे विद्यार्थियों कक्षा सात की गणित अध्याय आठ राशियों की तुलना इसकी प्रश्नावली है आठ दशमलव तीन उसका आठवां सवाल है अमीना एक पुस्तक रुपये दो सौ पिचहत्तर में खरीद कर उसे पंद्रह प्रतिशत हानि पर बेचती है पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर ख़रीद कर लिखा है मतलब ये क्रय मूल्य है तो यहाँ लिखें हम क्रय मूल्य ये हो गया क्रय मूल्य हो गया दो सौ पचहत्तर रुपये अब इतने में पुस्तक खरीदती है और पंद्रह प्रतिशत हानि पर बेचती है तो हानि निकाल लेते हैं तो हानि जो है वो पंद्रह प्रतिशत है पर पंद्रह प्रतिशत किसका निकलेगा जितने में ख़रीदी उसका पंद्रह प्रतिशत तो पंद्रह प्रति प्रतिशत कर दिया पंद्रह बटे सौ और दो सौ पिचहत्तर का निकालेंगे अपन तो ये दो सौ पिचहत्तर का निकालेंगे ये दो सौ पिचहत्तर है अब इसको काटते हैं पच्चीस चौक सौ पच्चीस एकम पच्चीस यहाँ से दो बचे पच्चीस पच्चीस एक पच्चीस तो ये है ग्यारह ये पंद्रह ये चार अब पंद्रह और ग्यारह का गुणा कर दें तो पंद्रह एकम पंद्रह के पाँच हाथ का या एक फिर पंद्रह एकम पंद्रह और एक सोलह ये आ गया एक सौ पैंसठ बटे चार चार का भाग लगा दें चार चौक सोलह फिर ये पाँच में चार एकम चार फिर एक बचा दस में लगाए एक के ऊपर शून्य हो गई दस तो चार दोनों आठ फिर दस में साठ गए दो फिर दो के ऊपर शून्य लगी तो चार पंजा बीस तो ये आ गया इकतालीस दशमलव दो पाँच रुपये ये हानि है तो इतनी हानि के साथ में पंद्रह प्रतिशत हानि पर बेचती है तो क्रय मूल्य ये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा विक्रय मूल्य होगा बराबर क्रय मूल्य दो सौ पिचहत्तर रुपये ऋण हानि इकतालीस दशमलव दो पाँच रुपये तो इकतालीस दशमलव दो पाँच रुपये अब इसको हल कैसे करेंगे देखो ये लिखा दो सौ पिचहत्तर अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद दो अंक इधर दशमलव नहीं है तो यहाँ लिखेंगे दशमलव और उसके बाद दो अंक फिर इकतालीस 41 41.25 दो पाँच इकतालीस दो पाँच घटाया हमने दस में से पाँच गए तो पाँच फिर उसके बाद में इसको एक कम करा क्योंकि उधार लिया था नौ है नौ में से दो गए तो सात फिर यहाँ पर एक कम करा तो चार हो गया चार में से एक गए तो तीन फिर सात में से चार गए तो तीन फिर दो के दो ही दो तो दो सौ तैंतीस रुपये पचहत्तर पैसे तो दो सौ तैंतीस सात पाँच इतने रुपए में पुस्तक बेची गई या पुस्तक का विक्रय मूल्य है अब हम करेंगे सवाल नंबर नौ ये है नौवा सवाल प्रत्येक दशा में तीन वर्ष बाद कितना मिश्र धन देय होगा तो यहाँ पर नौवें सवाल में दो भागे ए है मूलधन बराबर रुपये बारह हजार बारह सौ दर बारह प्रतिशत वार्षिक और बी में है मूलधन बराबर सात हजार पाँच सौ दर पाँच प्रतिशत वार्षिक दोनों को हल करते हैं यहाँ पर देखें समय कितना दिया है पहले में ए में दोनों के लिए समय दोनों के लिए समय, के लिए समय कितना दिया है तीन वर्ष बाद तो तीन वर्ष का समय दोनों में दिया है और ए वाले भाग में मूलधन कितना है मूलधन इसको हम पी लिखते हैं पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन पी बराबर कितना है बारह सौ दर कितनी दे रखी बारह प्रतिशत तो दर दे रखी दर को अपन लिखते हैं रेट बराबर हो गया ये बारह प्रतिशत वार्षिक और समय जो है कितना दिया है तीन वर्ष दिया है समय तीन वर्ष समय को टाइम लिखते हैं ये तीन वर्ष है और अपनों को क्या निकालना है कि तीन वर्ष बाद कितना मिश्र धन दे होगा तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है मूलधन धन ब्याज मूलधन धन साधारण ब्याज तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं साधारण ब्याज बराबर सूत्र है इसका P गुणित आर गुणित डी मूलधन गुणित दर गुणित समय पटे 100 मूलधन कितना है बारह दर कितनी है बारह समय कितना दिया है तीन साल बटे सौ तो ये क्या हो गया दो सून से दो सून कट गई और यहाँ पर क्या हुआ बारह 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 तो बारह का बारह में गुणा करें कितना होता है एक सौ चुमालीस और उसमें तीन का गुणा करना है अपनों को ये हो गया तीन चौक बारह के दो हाथ का एक तीन चौक बारह और एक तेरह के तीन हाथ का एक तीन एकम तीन और एक चार चार सौ बत्तीस रुपये तो चार सौ बत्तीस रुपये क्या हो गया तीन वर्ष का बारह सौ रुपये का ब्याज हो गया साधारण ब्याज अब अपने को निकालना है कि तीन वर्ष बाद मिश्रधन कितना दे होगा मीश्रधन बरावर, मीश्रधन बरावर, दन 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 तो यहाँ लिखेंगे मिश्रधन बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज मूलधन धन ब्याज तो मूलधन कितना है अपने पास बारह सौ रुपये और ब्याज कितना आया चार सौ बत्तीस रुपये तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखो ये तीन अंक है इधर चार अंक है तो दो और शून्य दो तीन और शून्य तीन चार और दो चौथा अंक इसमें नहीं इसमें है तो ये आ गया तो ये आ गया मिश्रधन धन सोलह सौ बत्तीस रुपये तो ये हमने एक भाग का निकाल लिया है सोलह बत्तीस सोलह सौ सो बत्तीस रुपये अब हम बी का देखते हैं तो बी में यहाँ पे मैं सूत्र सीधा लगा लेता हूँ देखो साधारण ब्याज को लिखते हैं सूत्र आय बराबर मूलधन पी गुणित आर गुणित टी दर है ना पी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन आर रेट मतलब दर टी समय मतलब टाइम बटे सौ तो यहाँ पर मूलधन कितना है सात हज़ार पाँच सौ बी वाले के इसमें तो सात हज़ार पाँच सौ मूलधन है दर है पाँच प्रतिशत वो समय कितना है यहाँ लिख देता हूँ मूलधन है सात हज़ार पाँच सौ दर है पाँच प्रतिशत वो समय तीन वर्ष बाद सभी में निकालना है दोनों में ये तीन बटे सौ कितना हो जाएगा शून्य से दो शून्य से दो शून्य काट दिया अब पिचोत्तर पाँच और तीन तो पाँच तीन कितने होते हैं पंद्रह तो इधर लिख दिया पिचहत्तर गुणित पंद्रह इन दोनों का गुणा कर दिया पंद्रह पाँच पिचहत्तर के पाँच हाथ के आए सात पंद्रह सत्य एक सौ पाँच और सात एक सौ बारह ये आ गया ग्यारह सौ पच्चीस रुपये ब्याज आ गया साधारण ब्याज आय का मान आ गया अब यहाँ पर अपनों को मिश्रधन निकालना है तो मिश्र इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूँ ये पहले भाग का है तो मिश्रधन धन मतलब इसको लिखते हैं मिक्सड अमाउंट एम बराबर मूलधन पी धन ये ब्याज है तब मूलधन कितना था यहाँ पे बी वाले केस में सात हजार पाँच सौ और इसमें साधारण ब्याज कितना है ग्यारह सौ पच्चीस ग्यारह सौ पच्चीस अब इन दोनों को जोड़ दो चार अंक इसमें भी है चार अंक इसमें भी है पाँच और शून्य पाँच दो और शून्य दो एक और पाँच छ एक और सात आठ तीस में आ गया मिस्र धन कितना आ गया आठ हज़ार छः सौ पच्चीस रुपये तो दोनों में सूत्र कौन सा काम आया साधारण ब्याज इसको लिखते हैं आय आय बराबर पी गुणित आर गुणित टी बटे सौ मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे सौ इससे अपन निकाल लेंगे साधारण ब्याज और फिर मिस्र धन बराबर क्या आएगा मूलधन धन ब्याज ये साधारण ब्याज मतलब ब्याज तो इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा मिश्र धन अब हम करते हैं सवाल नंबर दस देखो ये सवाल नंबर दस है इसमें क्या करा है रुपये छप्पन हज़ार पर दो वर्ष पश्चात किस दर से रुपये दो सौ अस्सी साधारण ब्याज दे होगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सूत्र के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें ज्ञात करना है तो सूत्र है अपने पास साधारण ब्याज आय बराबर मूलधन पी गुणित दर आर गुणित समय टी बटे सौ तो यहाँ पर अपने पास जो है छप्पन हजार जो दिया है वो मूलधन है तो P बराबर है मूलधन छप्पन हजार फिर उसके बाद में R दर दी है दी है क्या किस दर निकालना है R निकालना है समय कितना दिया है दो वर्ष तो T बराबर कितना है दो वर्ष और ये रुपए है वो साधारण ब्याज आय का मान दिया है तो आय का मान कितना दिया है दो सौ तो अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है दर तो सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं देखो आय को लिखा आय बटे एक सौ का गुणा कर दिया आय में और एक का गुणा कर दिया इसमें तो ये आ जाएगा सौ आय सौ आय बराबर एक का गुणा इसमें करा तो ये आया पी गुणित आर गुणित टी अब हमको निकालना है दर तो दर आर को इधर ही रहन दो आर को इधर रहन दो और पी और टी जो गुणा में है वो इसके बटे में चले जाएंगे ये आ गया सौ आय बटे पी और टी ये पी और टी आ गया पी गुणित टी या इसको आर इधर आर एच एस में है तो इसको इधर भी लिख सकते हैं तो इसको एल एच एस में करने के लिए आर बराबर कर दिया सौ आय या सौ गुणित आय बटे में पी गुणित टी अब यहाँ पर जो अपने पास मान है वो रख दो सौ है आय है दो सौ अस्सी साधारण ब्याज मूलधन है अपने पास छप्पन हज़ार रुपये और समय कितना है समय अपने पास है दो वर्ष अब यहाँ पर भाग देके देख लेते हैं दो शून्य से दो शून्य कट गई एक शून्य से एक शून्य कट गई फिर अट्ठाईस से कम अट्ठाईस और 28 दोनों छप्पन तो ये कितना हो गया अब बचा कितना दो और ऊपर कितना बचा एक इधर दो बचा दो दोनों चार और ये आया एक बटे चार अब एक में चार का भाग दो ये आ गया दसमलव लगाया क्योंकि एक में भाग नहीं जाता शून्य हुई तो चार दोनों आठ दस में से आठ गए दो दो के ऊपर शून्य आई बीस चार पंजा बीस मतलब दसमलौ दो पाँच ये ब्याज की दर है पर दसमलव पहले कोई अंक नहीं है तो यहाँ लगा दिया शून्य तो ब्याज की दर कितनी आ गई शून्य दशमलव दो पाँच प्रतिशत ही अपना उत्तर आ गया ये अपना प्रश्नवली आठ दसमलव तीन का आखिरी सवाल है ग्यारहवा मीना ने नौ प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष पश्चात रुपये पैंतालीस ब्याज के रूप में दिए उसने कितना धन उधार लिया था सूत्र देख लें हम साधारण ब्याज आए बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय पी आर टी बटे सौ अब इसमें क्या क्या दिया है देखो नौ प्रतिशत वार्षिक दर से मतलब आर बराबर नौ प्रतिशत दर दे रखी है एक वर्ष पश्चात मतलब समय टी बराबर एक वर्ष दे रखा है और अपनों को निकालना है कितना धन उधार लिया मतलब पी ज्ञात करना है और पैंतालीस रुपये ब्याज के रूप में दिए तो आय कितना हो गया आय हो गया पैंतालीस रुपये तो ये मान सीधे सीधे इसमें रख दो बिना कुछ किए आय बराबर हो गया पैंतालीस पी बराबर हो गया नौ पी बराबर ज्ञात करना है सॉरी ये पी गुणित और आर कितनी हो गई आर नौ हो गई और समय कितना दिया है एक वर्ष तो पी गुणित आर गुणित टी बटे सौ मतलब पी गुणित नौ गुणित एक बटे सौ ठीक है अब ऐसा भी काट सकते हैं देखो नौ एकम नौ और नौ पंजा पैंतालीस ठीक है अब इधर क्या बचा पी का एक में गुणा करा तो ये आया पी इधर पी आया ये सौ का इसमें पाँच में गुणा करेंगे तो पाँच गुणित सौ ये हो गया पाँच सौ ये पाँच सौ रुपये क्या आ गया ये पी का मान आ गया मतलब ये क्या आ गया मूलधन हो गया मतलब कितना धन उधार लिया पाँच सौ रुपये उधार लिया तो आपने देखा ये कक्षा सात के गणित अध्याय आठ प्रश्नावली आठ दशमलव तीन के शेष सवाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद